नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश हमेशा अच्छी नहीं होती है। कई बार बड़े भयावह दृश्य सामने आते हैं। आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण बड़ी तबाही हुई है, लोग विस्थापित होते हैं। ऐसे ही परिवेश के आधार पर एक कविता है, केदारनाथ सिंह की कविता है पानी में घिरे हुए लोग। मैं आज उन कविताओं को आपके सामने रखता हूं, आप भी सुने और मैं भी पढ़ने का आनंद लेता हूं। पानी में घिरे हुए लोग। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है, थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान। फिर वे गाड़ देते हैं खंभे, तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंछ की रस्सियां और टाट। पानी में गिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली टिन, भुने हुए चने, वे ले आते हैं चिलम और आग। फिर बह जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते, पाट, पटोरे सब बह जाते हैं। मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते, वे हर कीमत पर अपने चिलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती हैं पानी पर तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाजें, कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में गिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। वे जला देते हैं एक टूटे ही लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। फिर मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं, पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। सिर्फ उनके अंदर हरार की तरह हर बार कुछ छूटता है, हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक।